नमस्कार, मैं हूं अंजलि डोगरा, न्यूज इन में आपका स्वागत है। अब आज के कुछ मुख्य समाचार। रोहित शेखर की हत्या के आरोप में पत्नी अपूर्वा शुक्ला गिरफ्तार, कुबूला आरोप, देखेंगे रिपोर्ट। कांग्रेस के दिग्गज नेता व चार बार यूपी व उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे नारायण दत्त तिवारी के बेटे रोहित शेखर तिवारी की हत्या का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है। इस हत्याकांड के मामले में आखिरकार क्राइम ब्रांच ने रोहित की पत्नी अपूर्वा शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी अपूर्वा के खिलाफ ठोस सबूत मिलने के बाद की गई। आपको बताते चले, इस मामले में शुरू से ही शक की सुई रोहित की पत्नी की तरफ घूम रही थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक रोहित की पत्नी अपूर्वा लगातार इस मामले में बयान बदल रही थी। उसे सारा शक उसी के इर्द गिर्द आकर ठहर जाता था। वारदात वाली रात को लेकर अपूर्वा ने अब तक 3 अलग अलग बयान दिए, जिसकी वजह से पुलिस का शक पुख्ता होने लगा था। पुलिस वारदात के बाद रोहित की पत्नी समेत घर के 6 लोगों से पूछताछ कर रही थी। दिल्ली क्राइम ब्रांच की पूछताछ में आखिर अपूर्वा ने सच उगल ही दिया। अपूर्वा के लगातार बदलते बयानों से पुलिस उस पर पूरा शक गहरा गया था। रोहित शेखर की मौत के बाद जिस तरह घटनाक्रम सामने आया, उसे अपूर्वा को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, उसे साफ हो गया हत्या वाली रात अपूर्वा और रोहित के बीच झगड़ा हुआ था। झगड़े का कारण था, उस रात रोहित अपने एक महिला मित्र के साथ शराब पी रहा था और अपूर्वा ने उसे देख लिया था। पत्नी और 3 बच्चों का हत्यारा कर्नाटक से गिरफ्तार, देखेंगे रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पत्नी और 3 मासूम बच्चों की हत्या करने वाले आरोपी सुमित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को कर्नाटक के उडुपी से गिरफ्तार किया है। यूपी पुलिस की टीम आरोपी के तलाश में 6 राज्यों में तलाश कर रही थी। सोमवार शाम करीब 3 बजे अंशु बाला, प्रथमेश, आकृति और आरव के शव को पोस्टमार्टम किया गया। इसमें खुलासा हुआ कि मृतकों के नशीली दवा पिलाए जाने का पता नहीं चला। जिस तरह महिला के शरीर पर चाकू से 15 वार मिले और फ्लैट में रसोई के बाहर महिला का शव मिला, उसे अनुमान लगाया जा रहा है कि महिला ने बच्चों को बचाने के लिए संघर्ष किया था। हाथों पर चाकू के सबसे अधिक वार किए गए, क्योंकि महिला ने खुद को बचाने के लिए हाथों से वार रोकने का प्रयास किया होगा। पुलिस अनुमान लगा रही है कि शनिवार देर रात 12 बजे से 2 बजे के बीच ये वारदात हुई। जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ पर कार बम हमले में कश्मीरी स्टूडेंट अरेस्ट, देखेंगे रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर पुलिस ने मंगलवार को भटिंडा की सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से कश्मीरी स्टूडेंट को अरेस्ट किया है। उस पर आरोप है कि 30 मार्च को जम्मू कश्मीर के बनिहाल में आत्मघाती कार बम हमले की योजना बनाने में वह शामिल था। हालांकि ये हमला नाकाम हो गया था। हिलाल अहमद नाम का ये छात्र एमएड कर रहा है। आतंकवादियों की 30 मार्च 2019 को बनिहाल में पुलवामा हमले की तर्ज पर एक सेंट्रो कार में विस्फोट भरकर सीआरपीएफ काफिले पर हमले की योजना थी, लेकिन आतंकवादी धमाके से पहले ही विस्फोटकों से भरी कार छोड़कर भाग गए। इस धमाके में कोई हताहत नहीं हुआ। जांच में इस घटना के तार हिलाल तक पहुंचते पाए गए। 30 मार्च को बनिहाल पुलिस ने आईपीसी की धारा 307, 120, 120A, 121, 121A और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कराई थी। कॉकपिट में एयर होस्टेस से पायलट ने की छेड़छाड़, देखेंगे रिपोर्ट। अमृतसर से दिल्ली की ओर आ रही इंडिगो की एक फ्लाइट के पायलट पर छेड़छाड़ का आरोप लगा है। यह आरोप इसी फ्लाइट में ड्यूटी पर तैनात एक एयर होस्टेस ने लगाया। आरोप है कि जब हवाई जहाज ने अमृतसर से टेक ऑफ कर लिया था, तब कुछ देर बाद पायलट ने एयर होस्टेस को कॉकपिट में बुलाया। वहां एयर होस्टेस के साथ पायलट ने बदतमीजी की, उन्हें जबरदस्ती टच किया, उनके साथ सेल्फी लेने की कोशिश की। फ्लाइट के दिल्ली लैंड करने के बाद एयर होस्टेस ने इसकी शिकायत पुलिस को की। पुलिस ने आरोपी पायलट के खिलाफ छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कर लिया है। एयरपोर्ट सूत्रों ने बताया कि एयर होस्टेस ने अपनी शिकायत में कहा कि पायलट कॉकपिट में उनके साथ बदतमीजी कर रहे थे। उन्होंने इसका विरोध करते हुए पायलट के गाल पर तमाचा भी जड़ दिया। किसी तरह वह कॉकपिट से बाहर निकलने में कामयाब हो गई और यात्रियों के आसपास ही रही। इसके बाद वह कॉकपिट में नहीं गई। ये बात उन्होंने फ्लाइट में ड्यूटी पर तैनात अन्य एयर होस्टेस को भी बताई। फ्लाइट के दिल्ली लैंड करने के बाद एयर होस्टेस ने इसकी शिकायत आईजीआई एयरपोर्ट पुलिस को दी। यूट्यूब चैनल मालिक ने युवती को गेस्ट हाउस में बुलाकर किया गंदा काम, देखेंगे रिपोर्ट। दिल्ली की रहने वाली एक युवती ने एक YouTube चैनल संचालक गौरव यादव पर दुष्कर्म का ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि उसे YouTube चैनल में काम दिलाने का झांसा दिया और कुछ माह पहले उसने सेक्टर 71 स्थित एक गेस्ट हाउस में बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और हिडन कैमरे से उसका अश्लील वीडियो बना लिया।
तभी से वह ब्लैकमेल कर रुपए मांगने लगा। युवती ने कोतवाली फेज 3 पुलिस को शिकायत की। कोतवाली प्रभारी इंस्पेक्टर अखिलेश त्रिपाठी का कहना है कि युवती की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित युवती मूल रूप से फरीदाबाद की रहने वाली है, वे दिल्ली के करोल बाग में परिवार के साथ रहती है। तो ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें मेरे यानी अंजलि डोगरा के साथ। देख रहे न्यूज़ इन, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।